गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। दिस इज़ चैप्टर 4, नॉर्दर्न प्लेन्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। फर्स्ट स्टेप, इन दिस फर्स्ट स्टेप वॉट आर द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड्स नोन एज। अब इसमें फर्स्ट स्टेप में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फ्लैट लैंड है जो वास्ट स्ट्रेचेस होता है, मतलब बहुत बड़े एरिया में स्ट्रेच फैला हुआ होता है। प्लेटूज, आइलैंड, प्लेन्स, इन तीनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है? कौन सा है जो फैला हुआ रहता है, स्ट्रेच होता है, फैला हुआ बहुत बड़े एरिया में? वो प्लेन्स हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज 24 पेज पर मैप में दिया हुआ है, आपकी बुक में भी होगा। पेज 24 पे क्या दिया हुआ, प्लेन्स एरिया, जो ग्रीन पार्ट है ये प्लेन्स है। ठीक है, अब इसमें You will find that the northern plains are shown as green band towards the south of the northern mountains. ये जो हम green color का band देख रहे हैं, northern plains हैं जो कहाँ पर हैं, northern mountain के south में पड़ते हैं। They extend from Punjab in the west, जो कि west में पंजाब से लेकर के east में आसाम तक फैला हुआ है। The total length of the northern plain is approximately 2500 किलोमीटर। जो total length है northern plains की वो लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है, फैली हुई है। The northern plains are drained by many rivers। जो northern plains हैं वो कई rivers के द्वारा drained होती हैं, कई rivers होकर के गुजरती हैं यहाँ से। These rivers originate in the mountains, और ये rivers जो हैं और माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, यहीं से निकलती हैं। ब्रिंग विद देम सिल्ट, और अपने साथ सिल्ट एंड सैंड, स्टोन्स और क्ले लेकर आती हैं। दे डिपॉजिट दीज सेडिमेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ एंड नियर देयर बाय मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल। और ये सब चीज़ें जो भी सिल्ट और सैंड, स्टोन्स, क्ले लेकर आती हैं, ये सेडिमेंट्स ये अपने नदी के किनारों पर इकट्ठा कर दी जाती हैं, और जिससे ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं बहुत फर्टाइल हो जाते हैं, बहुत उपजाऊ हो जाते हैं। उपजाऊ से मतलब क्या हो सकता है? उपजाऊ से मतलब है फर्टाइल से मतलब होता है कि खेती करने योग्य बहुत अच्छी होती हैं ज़मीन। द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स इंक्लूड द सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और जो रिवर है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो मुख्य रूप से सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज ही यहाँ फ्लो करती हैं। अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज एंड मर्जेस इनटू अ बिगर रिवर। एक ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी को हम समझ सकते हैं कैसे, कि एक छोटी नदी होती है जो फ्लो बहते हुए मर्ज हो जाती है एक बड़ी रिवर में। मतलब वो एक छोटी सी नदी जो बह करके आ रही है कहीं और से, और वो बड़ी रिवर में आके मिल जाती है। द एरिया वाटर्ड, द एरिया वाटर्ड बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 रिवर बेसिन। जो रिवर्स हैं, ये जो एरिया है जिस रिवर द्वारा वाटर्ड होता है, जिस एरिया द्वारा आती हैं रिवर जिस पे वो, और ट्रिब्यूटरी के कारण वो रिवर बेसिन कहलाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 रिवर बेसिन। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है 3 रिवर बेसिन में डिवाइडेड है, मतलब कि यहाँ पे मुख्य रूप से 3 नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन में होकर के गुजरती हैं। द सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। सतलुज रिवर बेसिन, द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज वाटर्ड बाय द रिवर सतलुज। जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो सतलुज रिवर के द्वारा वाटर्ड है।
सतलुज रिवर यहाँ से होकर के गुजरती है. दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज द सतलुज रिवर बेसिन. इसीलिए इसको, इस जगह को सतलुज रिवर बेसिन बोलते हैं. द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर ए पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन. जो स्टेट है पंजाब और हरियाणा का, यहाँ से ही अधिकतर पार्ट जो है सतलुज रिवर बेसिन आता है. इसमें भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलुज रिवर. भाखड़ा जो डैम है वो सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है. दिस डैम प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और इस डैम से इरीगेशन और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है. इरीगेशन मतलब सिंचाई के लिए यूज़ होता है वहाँ का पानी. ठीक है, तो गंगा रिवर बेसिन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ वाटर्ड बाय द रिवर गंगा. और जो सेंट्रल पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो रिवर गंगा के रिवर के द्वारा वाटर्ड है. यहाँ पे गंगा रिवर होकर के गुजरती हैं इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी ट्रिब्यूटरी भी साथ में है, इसीलिए इसको गंगा रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं. द स्टेट्स दैट आर ए पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन आर उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल. जो स्टेट हैं गंगा रिवर बेसिन के से जो होकर के गुजरती है गंगा रिवर जहाँ से, वो उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल है. द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एज द रिवर भागीरथी. गंगा जो होती है गंगा रिवर वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से. गंगोत्री जो नॉर्दर्न माउंटेन में है, गंगोत्री ग्लेशियर से होकर के निकलती हैं और जहाँ पे उनको भागीरथी के नाम से जानते हैं. द भागीरथी फ्लोस डाउन अप टू देवप्रयाग एंड ज्वाइन द रिवर अलकनंदा टू बिकम गंगा. और फिर भागीरथी वहाँ से बहते हुए देवप्रयाग में ज्वाइन होती हैं एंड रिवर अलकनंदा में आकर अलकनंदा आके ज्वाइन होती हैं और वो गंगा के नाम से जानी जाती हैं. ऑन इट्स जर्नी, और अपनी इस जर्नी में फ्रॉम द माउंटेन टू द सी. अपनी इस जर्नी में जो उनकी जर्नी कहाँ से है, माउंटेन से लेकर के सी तक. द गंगा इज ज्वाइंड बाय, गंगा कितने रिवर से जुड़ती चली जाती हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उनके साथ जुड़ती हैं, जैसे कि घाघरा गोमती गंडक कोसी यमुना चंबल बेतवा एंड सोन नदी. ये नदियाँ साथ में ट्रिब्यूटरीज के रूप में गंगा जी से जुड़ जाती हैं. द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज रिवर यमुना. जो मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा जी की वो यमुना है. इट ज्वाइंस द गंगा एट प्रयागराज इलाहाबाद में, जो कि यमुना प्रयागराज में आकर के गंगा जी से मिल जाती हैं. द मीटिंग पॉइंट ऑफ द गंगा एंड यमुना इज नोन एज संगम. जहाँ पे गंगा और यमुना जी मिलती हैं वो संगम कहलाता है. द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एल्यूवियम टू द गंगा रिवर बेसिन. गंगा जो रिवर हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज साथ में बहुत ज़्यादा ही अपने साथ एल्यूवियम सॉइल या एल्यूवियम लाती हैं गंगा रिवर बेसिन में, जो जिस जगह से होकर के गंगा जी गुजरती हैं. दिस मेक्स दिस बेसिन वेरी फर्टाइल. इसीलिए ये बेसिन जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. द लास्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द गंगाज जर्नी इज थ्रू वेस्ट बंगाल. जो गंगा जी का लास्ट पार्ट है वो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में जाता है. हेयर इट मूव्स स्लोली एंड स्प्लिट्स इनटू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज. यहाँ पे वो आकर के स्लो हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं एंड स्प्लिट इनटू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, और ये कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती हैं. द हुगली इज़ वन ऑफ द मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा. हुगली जो है मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज, गंगा की मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज में से एक है. द सिटी ऑफ कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन इट्स रिवर बैंक. और जो सिटी कोलकाता है वो इसके रिवर बैंक पे स्थित है. वन डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द गंगा एंटर्स बांग्लादेश. उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो है बांग्लादेश में एंटर करती है. गंगा की जो एक डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो बांग्लादेश में एंटर करती है. वेयर इट इज़ कॉल्ड द पद्मा रिवर, जहाँ पे इसको पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं. ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. अब लास्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ड्रेन्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र. ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो ब्रह्मपुत्र रिवर से ड्रेन्ड है. दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज द ब्रह्मपुत्र रिवर. क्योंकि इस जगह से ब्रह्मपुत्र रिवर होकर के गुजरती हैं, इसलिए इसको
ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं। द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड सांगपो। अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं, जहाँ पे इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। इट इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, और ये अरुणाचल प्रदेश से इंटर होती हैं एंड फ्लो थ्रू आसाम बिफोर इट इंटर्स बांग्लादेश, और ये फ्लो होते हुए आसाम से फिर बांग्लादेश में इंटर करती हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर ज्वाइन द पद्मा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर पद्मा रिवर को ज्वाइन करती हैं, वहाँ पे मिल जाती हैं, फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, और वहीं पे वो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसको सुंदरवन कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा, बिफोर फॉलिंग इन टू द बे ऑफ बंगाल। ये डेल्टा कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले वहाँ सुंदरवन डेल्टा स्थित है। लाइफ इन नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वेरी फर्टाइल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही, भारत का नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है, देयर फोर थिकली पॉपुलेटेड, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, मतलब रहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। द स्टेट दैट लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। जो स्टेट जो हैं नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जहाँ पर, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट जो हैं वेस्ट बंगाल के और असम के हैं। अ यूनियन टेरेटरी द गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो लाइज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट एंड दिल्ली है वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आती है। लेट अस स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन दिस रीजन। हम चलिए इन स्टेट में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। ओके क्लास, आप लोग को ये जो मैप देख रहे हो, ये मैप आपको अपनी कॉपी में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर करोगे वहाँ पे ये मैप इस तरीके से लगाना है। मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी, जब होमवर्क दूँगी तो आपको बता दूँगी। ओके, पहला है स्टेट पंजाब। इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब फार्मर मोस्टली ग्रो व्हीट, राइस, सुगर केन, मेज़ एंड बार्ले। अब फर्टाइल प्लेन्स जो पंजाब के फार्मर जो हैं मुख्य रूप से ये अनाज उगाते हैं, व्हीट, राइस, सुगर केन, मेज़ एंड बार्ले। फार्मर्स मॉडर्न मशीन यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। पीपल जो पंजाब के पीपल हैं, मक्के की रोटी, सरसों का साग। द फार्मर पीपल ऑफ पंजाब आर फॉन्ड ऑफ मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी। गुरु पर्व, बैसाखी एंड लोहरी आर मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब। जो पंजाब के लोग हैं, मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी उनको बहुत पसंद है। गुरु पर्व जो बैसाखी, लोहरी, ये मेन फेस्टिवल पंजाब में बहुत मनाया जाता है। अब हरियाणा में, हरियाणा फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन हरियाणा। यहाँ पे हरियाणा में भी कैटल रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा उनका मुख्य ऑक्यूपेशन है वहाँ के लोगों का। व्हीट, राइस, ऑयल सीड, पल्सेस, बार्ले, मिलेट, मेज, कॉटन, सुगर केन, ये जो है हरियाणा में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली भी जो है ये भी नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में आता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो दिल्ली में लोग करने वाले काम हैं वो ऑफिसेस में काम करते हैं, और इनका खुद का या तो बिजनेस है। स्ट्रीट फूड ऑफ ओल्ड दिल्ली इज़ वेरी पॉपुलर। ओल्ड दिल्ली में जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पीपल ऑफ दिल्ली जो हैं सेलिब्रेट ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल। पीपल जो दिल्ली के लोग हैं वो लगभग इंडिया के फेस्टिवल, बहुत सारे मेजर फेस्टिवल मनाते हैं। मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ये सब दिल्ली में ही है। ठीक, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश आर फार्मर्स। जो उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर लोग फार्मर्स ही हैं, वो
राइस, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड और शुगर केन उगाते हैं। पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश हैव ऑल्सो सेट अप फैक्ट्रीज वेयर टेक्सटाइल, लेदर गुड्स एंड मेटलवेयर आर मैन्युफैक्चर्ड। और यहाँ पर और भी फैक्ट्रियाँ भी हैं, मतलब खेती के अलावा फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पर हैं, जो टेक्सटाइल की, लेदर गुड्स की, मेटलवेयर की, ये सब चीज़ें भी फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं। ताजमहल वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन आगरा। ये आगरा में ताजमहल जो वर्ल्ड का सेवन वंडर्स में से एक है वो आगरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बिहार एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ बिहार। एग्रीकल्चर जो है वो भी बिहार का मुख्य ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यवसाय है। फार्मर्स जो हैं राइस, वीट, पल्सेस, जूट, ऑयल सीड, मैंगो, गुआवा, लीची एंड बनाना ये उगाते हैं। द पॉपुलर डिशेज जो हैं बिहार की हैं लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा। छठ पूजा जो यहाँ का मेन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बिहार का। वेस्ट बंगाल टी, राइस, जूट और ये जो हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा ही तादाद में उगाए जाते हैं। जूट मिल्स भी हैं वेस्ट बंगाल की, जिसमें जहाँ पर ये कच्चा माल वेस्ट बंगाल में मिल जाता है जूट का, तो जिससे यहाँ पे इसकी फैक्ट्रियाँ भी हैं। बैग्स, रोप, कारपेट ये सब बनाने के लिए यहाँ के प्रोड्यूस किया जाता है। फिशिंग भी यहाँ पर वेस्ट बंगाल में मुख्य ऑक्यूपेशन में आते हैं। एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है पीपल हेयर दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल है, मुख्य त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पर। आसाम बिसाइड राइस एंड जूट, जूट और राइस के बजाय मतलब इसके अलावा भी टी यहाँ पे एक्सटेंसिवली उगाई जाती है आसाम में। आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। आसाम जो है अपने टी गार्डन के लिए बहुत फेमस है। बीहू यहाँ का मेन फेस्टिवल है आसाम का। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए बच्चों।